आप यहाँ के स्कूल्स में ऐसे पेन लेके जाते हो तो भाई आपके खटिया खड़े होने वाले हैं। और यहाँ के स्कूल्स में ऐसा क्या है कि आप खुद बोलोगे कि यार मुझे घर जाना ही नहीं है। भाई ऐसे स्कूल हैं जो इंडिया से कहीं ज्यादा अलग हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को 3 गुने तक लाइक कर दो यार, क्योंकि बहुत मजेदार वीडियो है। 1, 2, 3 लाइक कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फिनलैंड। आपके स्कूल में कितनी देर का ब्रेक होता है? यूजुअली इंडिया में 15 से 20 मिनट तक का ही ब्रेक होता है, वो भी बस दिन में एक बार। लेकिन फिनलैंड में ये चीज काफी अलग है। फिनलैंड में ऑलमोस्ट 3 बार ब्रेक मिलता है एक दिन में, यानी कि इनको टोटल में 75 मिनट ब्रेक मिलता है एक दिन में। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर छोटे बच्चे पढ़ते हुए खेलेंगे नहीं तो वो अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्हें हर एक घंटे की पढ़ाई के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, जो टोटल मिलाकर 75 मिनट का होता है। इसमें बच्चे खाना खा सकते हैं और बाकी ब्रेक में खेल सकते हैं, और यहाँ पर होमवर्क को भी खेलने से कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। नंबर 2, नॉर्वे। जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो यूजुअली ग्रेजुएशन पार्टी हर स्कूल में दी जाती है, लेकिन नॉर्वे जैसी ग्रेजुएशन पार्टी कहीं नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टी 3 हफ्ते तक चलती है। एग्जाम से पहले 3 हफ्ते के लिए ये पार्टी शुरू रहती है और कुछ न कुछ इवेंट्स और फेस्टिवल आते रहते हैं। इंडिया में एग्जाम से पहले फेयरवेल होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ काफी लंबे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, जिसमें बच्चे मिलकर पुरानी कार या फिर पुरानी वैन खरीदते हैं और फिर उसे डेकोरेट करते हैं। नंबर 3, थाईलैंड। यहाँ के स्कूल काफी ज्यादा फ्रेंडली है, जिस वजह से कई लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ के लोगों में डिसिप्लिन कम है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ के लोग स्कूल्स को कुछ इस तरीके से अप्रोच करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सारे बच्चों का मैंडेटरी हेयर कट होता है, लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग। और उसके बाद स्कूल यहाँ पर काफी ज्यादा केओटिक होता है, जिस वजह से वेस्ट से आने वाले लोगों को लगता है कि ये काफी इनडिसिप्लिन है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर तो लोग क्लास में ही फोन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि फोन कॉल उठाकर बात भी कर सकते हैं। और यहाँ पर यूनिफॉर्म तो है, लेकिन क्लास और हॉलवे में कई बच्चे जूते या चप्पल पहनते ही नहीं, ये यहाँ पर नॉर्मल है। नंबर 4, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ के ज्यादातर स्कूल में एक सेग्रीगेशन होता है, जिसकी वजह से जेंडर को अलग अलग बिठाया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल को साथ में नहीं बिठाते। बाकी जो जेंडर है उनको कई सारे अरब के स्टेट्स में वैलिड ही नहीं माना जाता। अब इसके बारे में और डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। नंबर 5, साउथ कोरिया। यहाँ पर एक्सेलेंस को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर बच्चे घर से ज्यादा स्कूल में रहते हैं। नॉर्मली स्कूल 5 से 6 घंटे का होता है, और कॉलेज डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, और ये लगभग पूरे ग्लोब में सिमिलर होता है, सिवाय साउथ कोरिया को छोड़कर। यहाँ पर एक बच्चा अपने दिन का 24 से 16 घंटा स्कूल में बिता देता है। वो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों स्कूल में करता है, और वो डिनर के लिए घर जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर ऐसे सब सिचुएशंस के लिए उन्हें फिर से स्कूल आना पड़ता है, और कई बार तो वो स्कूल में ही नैप लेते हैं। यहाँ पर अलग से जगह होती है जहाँ बच्चों को 1-8 घंटे के लिए सोने भी दिया जाता है। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम। अब नॉर्मली हर जगह पर स्कूल सुबह के 6 से 7 बजे शुरू होते हैं और लंच टाइम तक खत्म हो जाते हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर डबल शिफ्ट में स्कूल चलती है, जिसमें से एक इंडिया भी है, जहाँ पर 2 शिफ्ट होते हैं, एक मॉर्निंग बैच और एक आफ्टरनून बैच। लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होता, वहाँ पर बस एक स्कूल टाइम होता है सुबह के 7 बजे से और आफ्टरनून तक, और इसीलिए सारे बच्चे इस चीज से रिलेट कर पाते हैं कि उन्हें स्कूल के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सिवाय यूनाइटेड किंगडम के। यहाँ पर स्कूल यूजुअली 10 से 11 बजे से शुरू होकर मिड आफ्टरनून तक खत्म होता है, यानी कि बच्चे मस्त आराम कर सकते हैं। यहाँ नॉर्मल स्कूल रूल्स तो हर जगह पर होते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज के कुछ स्कूल में ऐसे रूल हैं जो हर जगह पर कॉमन नहीं होते। पहला, क्लीन योर क्लास। अच्छा, आपके स्कूल में क्लास कौन क्लीन करता है? ज्यादातर इंडियन स्कूल में पियोन या फिर कोई बंदा ही उसका करता है, यानी कि फीमेल या फिर मेल पियोन। और अगर कुछ ऐसी स्कूल है जो काफी विलेज में है, तो वहाँ पर हो सकता है कभी बच्चों से स्कूल साफ करवाया जाए। लेकिन यही सेम चीज जापान और यूक्रेन के लगभग सारे स्कूल्स में होता है, जहाँ पर स्टूडेंट ही क्लास को क्लीन करते हैं स्कूल खत्म होने के बाद, और उनके एक के बाद एक टाइमिंग होती है। और यूक्रेन के कुछ स्कूल में तो कई बार टीचर से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्लास को क्लीन कर देंगे स्कूल खत्म होने के बाद। नंबर 2, बैन ऑन ग्लव्स। स्कूल में ग्लव्स पर बैन होता है। इंडिया में भी ये चीज बैन है, लेकिन उसका रीजन यही है कि वो ड्रेस कोड के खिलाफ है। लेकिन कुछ कंट्रीज में ग्लव्स को बैन करने का एक अलग रीजन है, वो है गैंगस्टर्स। जो लोग ग्लव्स पहनते हैं उनको गैंग का हिस्सा माना जाता है, और इसी वजह से स्कूल में ये पहन के जाना बैन है। नंबर 3, नो इरेजर एंड क्लिक्स। सोचो आपके स्कूल में पनिशमेंट मिल जाए क्योंकि आप स्कूल में इरेजर लेकर गए। हाँ, यूएस के स्कूल में ऐसा हो सकता है। यहाँ पर इरेजर कुछ स्टैंडर्ड तक बैन है, और यूएस के कुछ स्कूल में प्राइमरी में मैकेनिकल पेंस या फिर क्लिक साउंड करने वाले पेंस लाना भी अलाउड नहीं है, और अगर आप ये लेकर आते हो तो आपको सीरियसली पनिशमेंट मिल सकती है। नंबर 4, लिमिटेड वॉशरूम। यार ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है कि हमने टीचर से वॉशरूम की परमिशन मांगी और वो ना दे, पर हमें पता होता है कि अगला लेक्चर से पहले हमें जाने का मौका मिल ही जाएगा। पर शिकागो में जितने भी स्कूल हैं उसमें
बहुत अजीब रूल है कि जिसकी वजह से बच्चे पूरे सेमेस्टर में बस 3 बार ही वॉशरूम जा सकते हैं, और ये वॉशरूम वाले चांस आप कभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन बस 3 बार, वो भी पूरे सेमेस्टर में। और उसके बाद अगर आपको लगी भी है तो आपको स्कूल खत्म होने तक वेट करना पड़ेगा। नंबर 5, सस्पेंशन फॉर नॉट कमिंग। तो ये रूल बहुत ज्यादा फनी लगता है। कई ऐसे स्कूल होते हैं जिसमें ये रूल है कि अगर आप लगातार कई दिनों तक स्कूल नहीं आए हो और उसके बाद जब आप स्कूल आओगे तो आपको प्रिंसिपल मैम के पास जाना पड़ेगा और फिर आपको सस्पेंशन दे देंगे, यानी कि स्कूल ना आने की पनिशमेंट, वो भी बस 2 दिन तक। और अगर कोई स्कूल में इम्पोर्टेंट डेज नहीं है जैसे कि एग्जामिनेशन या फिर कुछ, तो ये पनिशमेंट से ज्यादा गिफ्ट हो गया, क्योंकि उस बच्चे को वैसे भी स्कूल नहीं आना है। स्कूल एक्सेसरीज की बात करें तो न्यूजीलैंड में बच्चे अपने साथ स्कूल पेंसिल, रबर, ये सब तो नॉर्मल चीजें लेकर जाते हैं, लेकिन उसी के साथ ये लोग व्हाइट बोर्ड मार्कर, एक रिकॉर्डर, सन हैट और सन ब्लॉक्स लेकर भी जाते हैं। अब व्हाइट मार्कर तो किसी नॉर्मल प्रोजेक्ट में और इन सब में काम आ सकती है, लेकिन रिकॉर्डर का एक स्पेशल काम होता है कि जब इनके म्यूजिक लेक्चर्स होते हैं तब ये रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके म्यूजिक रिकॉर्ड कर सके, और ये सबके लिए कंपलसरी होता है। और फिर जो सन गियर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लगभग सारी कंट्रीज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लंच थोड़ा अलग तरीके से होता है। यहाँ पर बच्चे स्कूल प्रेमिसेस में कहीं पर भी बैठकर लंच खा सकते हैं, और ज्यादातर बच्चे ग्राउंड में बैठकर खाना एंजॉय करते हैं, तो इसीलिए वो सन गियर्स लाते हैं। और जर्मनी की बात करें, जर्मनी में जब बच्चे अपने फर्स्ट ग्रेड के पहले दिन स्कूल जाते हैं तो उन्हें ये कोन दिए जाते हैं जिसमें कई सारी स्कूल की कलरफुल चीजें होती हैं, खास इंडिया में भी होता है। और साउथ कोरिया की बात करें तो अपने बहुत ज्यादा लंबे चलने वाले स्कूल की वजह से यहाँ के बच्चे काफी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें लाते हैं, जैसे कि 2 लंचेस, ये बात तो आपको पता होगी। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर सब कुछ ज्यादा फैंसी और कलरफुल होता है, यहाँ के लोगों को चमकते हुए, धमकते हुए, क्यूट और फैंसी चीजें पसंद होती है, और इसलिए आपको सारी स्कूल एक्सेसरीज बहुत सारा फनी मिल जाएंगी। यहाँ नॉर्मल इरेजर की जगह पर इलेक्ट्रिकल इरेजर पॉपुलर है, और ऐसे ही सब कुछ फैंसी और कॉमिक टाइप होता है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर यहाँ ऐसा क्या है कि रेस्टोरेंट्स में ये जो नमक साइड में ऐसे रखे जाते हैं ना, ये आपकी मौत को दावत दे रहे हैं। और ये जो आप पैकेट्स में जूस देखते हो ना, इसका ये सच जानने के बाद आप इनको देखने की भी हिम्मत नहीं करोगे, वो क्यों इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को आप भी दबा के देखो यार, और इस वीडियो को लाइक करके ही जाना। मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि आपने लाइक किया नहीं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।